हाँ, फिर मेरे में सेंड करना है। यस सर। फोटो अच्छा नहीं थी। अच्छा हुआ सर, यहाँ से वहाँ नहीं। देखो है ना भाई, हम यहाँ पर जो है इस जमीन का सर्वेक्षण करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड लगा देंगे और इसके बाद जो है ये पटल है ना, या सर्वेक्षण पटल जो है हम लगा देंगे। और उसके बाद ये पेपर को प्रेस करके हमने चारों तरफ से क्लिप लगा दिया। और फिर हमारा सबसे पहला काम यहाँ पर होना चाहिए वो निकालो तो नहीं, कंपास, कंपास है ना, दिशा सूचक। हम सबसे पहले जो है दिशा सूचक का इस्तेमाल करेंगे। ये जो नट दिया हुआ है, ये नट को हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से इसको ढीला कर लेंगे थोड़ा सा और इसको उत्तर दिशा की तरफ रख देंगे। उत्तर दिशा में रखने के बाद देखो ये जो है ये इसका पॉइंट जीरो में आना चाहिए। जब इसका पॉइंट जीरो में आ गया तो हम इसको यहाँ से कस देंगे, जिससे ये मूव करना बंद कर देगा। और यहाँ से हम इसको क्या करेंगे भाई, ऐसा उत्तर दिशा मार्क करके ये इसका काम सर है ना, ये हम हटा देना। सर वो टेप में समझ में नहीं आ रहा है सर, हम लोग टेप कैसे नहीं आएगा, वही तो बताएगा यार, अभी बताऊंगा। वो तो फीट करने क्या बोलते हैं वो टेप, पैमाना लेना। पैमाना लेने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास ये जो है दुनिया में दो दो फीट का डिफरेंस है, सॉरी दो दो सेंटीमीटर का डिफरेंस, 10 के बाद 12 आ गया सेंटीमीटर। दो दो सेंटीमीटर का डिफरेंस है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे भाई, इसको ऐसा रख देंगे, ऐसा रख दिया, ऐसा नहीं, यहाँ पर मैं अलग से बना, इसी से बन जाएगा देखो है ना। ध्यान दो, ये देखो यहाँ से यहाँ तक हो गया हमारा 20 फीट है ना, ये 40 फीट, 60 फीट, ये नीचे में, फिर ये हो गया YouTube में डाल रखी है। अब देखो ये जो है हम यहाँ पर जीरो लिखेंगे, ये 20 फीट हो गया, ये 40 फीट हो गया और ये 60 फीट हो गया। मतलब अगर मेरा साइकिल यहाँ पर रखा हुआ है और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो हम देख लेते हैं मैं और अपने साइकिल से कितने डिस्टेंस में हूँ। ये मतलब 4 सेंटीमीटर के डिफरेंस में, 4 सेंटीमीटर के डिफरेंस में हूँ, मतलब कि मैं अपने साइकिल से 40 फीट दूर। अब यहाँ पर मैं नीचे में बता दूंगा, पेपर में अगर कोई दो वस्तु 1 सेंटीमीटर के दूर में है तो मुख्य जमीन में वो वस्तु 10 फीट के दूरी में होगी। 10 फीट ये हो गया भी। अब यहाँ जो है हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, हमने पैमाना भी बना लिया है, बाकी का पैमाना मिटा देना। हमने पैमाना भी बना लिया, दिशा भी देख लिया और हमने जो है ये स्पिरिट लेवल से इसका लेवल भी मिला लिया, स्पिरिट लेवल है ना। देखो स्पिरिट लेवल में अगर ये बुलबुला इधर उठा हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये हिस्सा उठा हुआ है, तो इसको आपको नीचे करना पड़ेगा या इस तरफ के हिस्से को आपको उठाना पड़ेगा। तो ये हमारा जो है रेडी। अब इसके बाद अंतिम में हम क्या करेंगे, हाँ साबुन चिमटा का इस्तेमाल करते हुए, ये देखिए जो है हमने ये साबुन चिमटा का इस्तेमाल किया और साबुन चिमटा लगा लिया हो ना पिन, साबुन चिमटा के हिसाब से हमने वहाँ पर पिन लगा दिया, पर साबुन चिमटा ने जहाँ पर पॉइंट किया था यहाँ मार्क कर, यहाँ मोटा नहीं कर रहा, हाँ एक छोटा सा पॉइंट कर रहा है ना, ज्यादा सा पॉइंट ऐसे गलत हो जाए। अब इसके बाद हम नापना स्टार्ट करेंगे, जैसे कि हम वो नाप लेंगे अपना जहाँ पर साइकिल स्टैंड नाप लेंगे, प्रेयर स्थल नाप लेंगे, मेन गेट नाप लेंगे। अब यहाँ से मान लेते हैं भाई वो प्रेयर स्थल जो है हमारा वो 155 फीट की दूरी पर, 155 कड़ी आ रहा है, 155 फीट की दूरी पर, YouTube में डालो बोला था, 155 फीट की दूरी पर है। तो हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 फीट, 10 सेंटीमीटर बराबर 100 फीट और 15 सेंटीमीटर बराबर 150 फीट, तो लगभग 15 सेंटीमीटर यहाँ से लेंगे। ये 15 सेंटीमीटर मैंने लिया यहाँ से, ये देखो 14 के बाद 16 है, मतलब ये 15 है, तो मैंने 15 सेंटीमीटर लिया, लेकिन 155 बोला हूँ मैं, तो ये 5, सॉरी ये 5, ये 155, 14, 15 और ये 55 और ये 16, 155। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सीधा खींच देंगे, पहले पहले जो है इसको ऐसा मिला करके, यहाँ से हमने देख करके जैसा मैं बताया था पहले, मिला करके ऐसा पॉइंट कर देंगे और 155 सेंटीमीटर में जो है हम इसको ऐसा लाइन बना देंगे 155। ये आगे हो गए,
लाइन खींचने के बाद इसमें 155 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, हम इसमें 155 फीट लिखेंगे, है ना, फीट लिखेंगे। ऐसे ही हम दो चार पर बना लेंगे, एक पेपर में कम से कम चार बना, चार बनाओ हटाओ फिर दूसरा बनाओ। धूप लग रहा है तो थोड़ा रेस्ट करने के लिए इस फॉर्म में चले जाना, रेगुलर काम नहीं करना।